हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। इसके पहली वाली क्लास में हमने जो है लिविंग नॉन लिविंग के कुछ कैरेक्टर देखे थे, जो कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर थे। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है लिविंग लिविंग वर्ड की। तो अभी तक की जो क्लासों में हमने जाना कि लिविंग नॉन लिविंग क्या है, इन सब पे हमने बहुत कुछ जाना। पहले वाले लेक्चर क्लास में हमने जाना था कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके सब के बारे में हमने जाना था। और ये हमारी थर्ड क्लास है। ये क्लास काफ़ी डिले हो गई कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हाँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है, अब इसको कुछ इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके समझिए। डाइवर्सिटी क्या है, पहले डाइवर्सिटी समझिए। डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमारे इस पूरे अर्थ पे जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, जितनी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे यहाँ की डाइवर्सिटी हैं। ठीक है, जितने भी हैं जो है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो जितने भी हैं ये सब बायोडाइवर्सिटी हैं। अब ये है कि ये हैं कितने, कैसे हैं, ये सब भी जानना जरूरी है। जो टोटल अभी तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, 1.7 to 1.8 million, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं। और टोटल प्रेजेंट जो है यहाँ पे अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 7 बिलियन है। 7 अरब अलग अलग प्रजातियाँ हैं हमारे अर्थ पे, 7 अरब प्रजातियाँ हैं। और हमने जो है अभी तक सिर्फ 17 से 18 लाख प्रजातियाँ खोज ली हैं, जिसमें 1.3%, 1.3 मतलब सॉरी 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख, 13 लाख प्रजातियाँ सिर्फ जंतुओं की है। और 5 लाख, 0.5 मिलियन प्रजातियाँ पौधों की है, पेड़ पौधों की, प्लांट्स की है। तो मतलब एनिमल्स की ज़्यादा है, प्लांट्स की कम है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि हमारे डाइवर्स मतलब और अर्थ प्लेनेट मतलब इस ऑर्गेनिज्म में जो है 1.7 to 1.8 मिलियन जो है हमने डिस्क्राइब किए हैं, सॉरी डिस्क्राइब कर लिए हैं ऑर्गेनिज्म। टोटल टोटल जो प्रेजेंट है वो है 7 बिलियन, 7 अरब, 7 अरब जो है टोटल ऑर्गेनिज्म है जो है अर्थ पे, 7 अरब टोटल ऑर्गेनिज्म है। हमने जो है 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर कर लिए, जिसमें जीरो हो सॉरी जिसमें 1.3 मिलियन एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। और एक चीज, हम हर साल प्रत्येक वर्ष पर लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म पता करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी लिख लीजिए आप, 1500, 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं। हमने आपको बताया कि इस अर्थ पे टोटल 7 बिलियन, 7 अरब अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, जिसमें 1.7 to 1.8, 17 से 18 लाख हमने पता कर लिया है, 17 से 18 लाख हमने पता कर लिया, जिसमें 1.3, 13 लाख जो है 1.3 मिलियन, 13 लाख जो है सिर्फ जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जिसमें जीरो और 0.5, 5 लाख, 13 लाख हमने 17 से 18 लाख पता कर लिए, जिसमें 13 लाख सिर्फ जंतु हैं, एनिमल्स हैं, 5 लाख प्लांट्स हैं, और जो कुछ बचते हैं मतलब अभी तक हमने सिर्फ 15%, 7 बिलियन टोटल ऑर्गेनिज्म है, हमने 15% डिस्क्राइब किया। और जो है इसमें इसके बाद जो है, जब प्लांट्स और एनिमल्स के बाद जो हैं वो बाकी सब हैं, मुनेरा, फंजाई, जो बाकी हैं वो सब बाद में हैं। तो इतना हमने आपको बताया कि 7 बिलियन यहाँ प्रेजेंट है टोटल अर्थ पे। डाइवर्सिटी जो हमारी है वो 7 बिलियन और ऑर्गेनिज्म है, जिसमें 1.7 to 1.8, 17 से 18 लाख हमने पता कर लिया, जिसमें 13 लाख सिर्फ हमारे एनिमल्स हैं, 5 लाख हमारे प्लांट्स हैं। ठीक, 15,000 हर साल हम नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं। ठीक, अब इतना आपने जान लिया। अब एक चीज़ और जानिए कि इसको मतलब अब जैसे थोड़ा इस तरह के थोड़ा डीपली समझिए आप इस चीज़ को नॉर्मली, क्योंकि अगर किताबी भाषा की तरह के समझ पाएंगे तो आपको हम समझा नहीं पाएंगे उस जिस तरह को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए एक शब्द आया था टैक्सोनॉमी। एक शब्द आया टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी।
ये टैक्सोनॉमी टर्म जो है कैंडोले ने दिया था, ये जो टर्म था ये कैंडोले ने दिया था, से कैंडोले ने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जे लीनियस साहब को कहा जाता है, कैरोलस लीनियस साहब का, इनके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया, वहां आप जाके पढ़ सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये सेंटा पाउ को कहा जाता है, ये सेंटा पाउ को कहा जाता है। अब आप समझिए कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी शब्द का ये मतलब है किसी की कैरेक्टर्स को, किसी की आइडेंट, किसी को जान। टैक्सोनॉमी में चार पिलर्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो आप उसको देखते हैं, पहचानते हैं, फिर उसका नाम रखते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। ये चार जो है पिलर्स होते हैं। और टैक्सोनॉमी जो टर्म था, जो इस नाम को देने वाले हैं, जो टर्म दिया है कैंडोले साहब ने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस साहब को कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलीनियस साहब को कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हम सेंटा पाउ को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हम सेंटा पाउ को कहते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी के चार पिलर्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हमने बताया कि टैक्सोनॉमी जो टर्म था ये देने वाले थे कैंडोले साहब, जो टैक्सोनॉमी टर्म को जो दिया है कैंडोले साहब ने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कैरोलस लीनियस साहब को कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पाउ को कहते हैं। अब एक चीज समझिए आप कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म या किसी भी जंतु को आप जैसे देखिए, कभी आप जंगल में जाइए, जू वगैरह में जाइए, तो आप एक चीज़ वहाँ फिलहाल वो चीज़ें लिखी होती है, वो आगे बात हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे थोड़ा देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कहीं जाते हैं किसी जंगल में जाते, किसी जू में जाते हैं या किसी म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो वहाँ रखा जाता है हम देखते हैं, तो हम एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है, पहली चीज़ तो हम उसको उसकी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देखते हैं कि फिजियोलॉजी इसकी क्या है, सॉरी इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे दिखता है, इसके कितने कान हैं, कितनी आंखें हैं, कितने पैर हैं, ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो ये जो है हमारा कैरेक्टराइजेशन है, जिसको हम पहचानते हैं, मतलब इस तरह से कह देते हैं कि उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसके सर पे सॉरी उसके पूरे बॉडी बहुत सारे हेयर्स हैं, तो ये कैरेक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद अब इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा जिसके चार पैर हैं, टू पेयर ऑफ लेग्स हैं, उसके अलावा उसके पूरी बॉडी पे हेयर्स हैं, ठीक है, अब पूरी बॉडी पे हेयर्स हैं, तो कान, ये सब मतलब नॉर्मली हमने मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा कि हमने मतलब उसके हाथ है, कान है, पैर है, मतलब ये सब देखा, चार पैर हैं, चलता है बहुत तेज़, दौड़ता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म से हमने उसको कंपेयर किया शेर से, कि शायद शेर तो नहीं है बट वो शायद बाघ हो, सेम तो वैसे भी हो सकता है ना। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने उसको पहले पहचाना, उसके कान है, नाक है, पैर है, हाथ है, मतलब ऐसे देखा कि चार पैर हैं, हाथ सॉरी हाथ ही चार पैर हैं, कान है, मतलब कान बड़े थोड़ा वो ठीक है, और मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है, पूरे शरीर पे बाल है। अब जो है हमने इस मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो है उसको पहचान लिया, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई हमने किया उसको किसी ऑर्गेनिज्म से, हमने कंपेयर किया। अब बात ये आती है कि कंपेयर करने के बाद उसका नाम भी रखना चाहिए ना, कि मतलब उसके जैसा तो दिखता है, जैसे कि कुछ है शेर है तो शेर के बगल, अब शेर का तो पहले से ही नाम है ना, तो उसका नाम कुछ और रखा जाएगा ना, बाघ, चीता, तेंदुआ, जो भी रखा जाएगा, तो पहले शेर को रखा गया, इसके बाद बाघ, चीता, तेंदुआ, उसका नाम रखा जाएगा। अब उसको ये भी पता किया जाएगा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या इसमें मतलब क्या इसका कैरेक्टराइजेशन है, मतलब टैक्सोनॉमी हायरार्की जो है, हायरार्की जो है, क्लासिफिकेशन हायरार्की जो है, इसमें कहाँ का इसका क्या मतलब क्लास क्या है, इसका किंगडम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ये आपको हम आगे वाले लेक्चर में क्लास में पढ़ाएंगे। तो ये देखिए आप, मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम आपको ये बताएं कि पहले हमने बताया आपको कितनी स्पीसीज है, कितनी डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, 1.7 टू 1.8 डिस्क्राइब कर चुकी हैं, टोटल 7 बिलियन है, 15,000 हम डिस्कवर नए करते हैं, 13 लाख टोटल हमारे एनिमल्स हैं, 5 लाख प्लांट्स हैं, इतना हमने बता दिया। सेकंड हमने बताया आपको कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है कैंडोले साहब ने दिया था, टैक्सोनॉमी जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं ये कैरोलस लीनियस साहब, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी ये हम सेंटा पाउ को कहते हैं, ठीक। अब टैक्सोनॉमी के जो फोर पिलर्स आपने बताया कि हमने बताया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन मैंने आपको बताया कि किसी को पहचान लेना, हम जिंदा हम व्यक्ति, हमारे दो हाथ है, दो पैर, कान है, आंख है, नाक है, आपने पहचान लिया कोई आदमी है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके पड़ोस में लड़का रहता है तो जिसको आपने देख के बता दिया कि ऐसे ऐसे उसने उसको वो इतना उसकी हाइट इतनी है, जैसे मेरी हाइट इतनी है, कि आपके बगल कोई लड़का रहता होगा, कोई दीदी रहती है, उनकी भी हाइट ऐसी होगी, तो आप उनसे कंपेयर करेंगे कि ऐसे दिखते हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि जैसे आपके भाई साहब मतलब उनका तो नाम होगा तो हमारा भी एक नाम होगा ना, वैसा उनका नाम जो है वो हमारा भी नाम होगा, तो जो शेर का नाम है वही नाम
उसका तो नहीं होगा जिस ऑर्गेनिज्म को आपने देखा है, तो उसका भी नाम एक अलग आप रखेंगे। तो उस ऑर्गेनिज्म उसका नाम रखने के लिए आप जो है नॉमनक्लेचर जो है सब नॉमनक्लेचर है, नॉमनक्लेचर पे बात करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, वो क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ नॉमनक्लेचर पे। तो अभी तक हमने आपको बताया मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। मॉर्फोलॉजी या पैसेज समझिए, किसी को देख के हम जैसे अंदाजा लगा, किसी को देखा हमने, किसी अचानक कोई जंतु हमारे सामने आया तो हमने उसको देखा, उसके दो पैर हैं, मतलब दो पैर हैं, दो आँखें हैं, दो कान हैं, नाक है, सर पे बाल है, तो हम समझ गए कि हम ह्यूमंस की मतलब एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही किसी की कोई बात करोगे, उसके चार पैर हैं, पूरे शरीर पे बाल है, तो हम समझ गए हेयर शेर की बात करें। किसी ऑर्गेन को देखा हमने, समझ लिया उसके सिक्स पैर हैं, छः पैर हैं, तो हम ये समझ गए जो है कि हम जो है इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम मक्खियों की बात कर रहे हैं, तो चींटियों की बात। तो ये सब जो है आपको बताएंगे, ये क्लासिफिकेशन वाले शब्द हम आपको बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ नॉमनक्लेचर का है, तो नॉमनक्लेचर हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपके कैरेक्टराइजेशन क्या है, आप समझ गए। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी को कंपेयर करना है, किसी से पहचान करनी है, तो आप आइडेंटिफाई इतना तो पहचान जाएंगे, तो मुझे आइडेंटिटी कार्ड बना के देना नहीं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पढ़ाना है जो नॉमनक्लेचर, तो नॉमनक्लेचर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉमनक्लेचर हम आपको सिखाएंगे, इसके बाद जो है हम आपको क्लासिफिकेशन अगले वाले लेक्चर में समझाएंगे। नॉमनक्लेचर, नामकरण। अब ये जो है नामकरण जो है क्या है, इसमें भी बड़ा लोचा है। लोचा इस तरह से है, लोचा कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आप किसी का नाम रख देंगे तो ऐसे नाम नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तब आप किसी जंतु का, किसी नए ऑर्गेनिज्म का नाम रख लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी को डिस्क्राइब कर लिया तो आप उस ऑर्गेनिज्म को अपने से खुद से नाम रख दिया कि ये नाम हमने रख दिया, ये जो आपके जहाँ रह रहे हैं वो सिर्फ उस प्लेस में हो सकता है उसका नाम। अगर आप साइंटिस्ट या बायोलॉजिकल नाम अगर आप लेना चाहेंगे तो वो अलग होता है, उसका नाम है कुछ अलग, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। तो नॉमनक्लेचर जो ऐसे हमने लिख दिया, नॉमनक्लेचर नामकरण, तो नॉमनक्लेचर से आप समझ गए होंगे कि नामकरण, किसी का नाम लिखना, नामकरण करना। तो नामकरण में पहली दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि नॉमनक्लेचर जो शब्द है, मतलब जो टैक्सोनॉमी शब्द है, उसमें जो हमने कहा ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नॉमन जो है कैरोलस लिनियस साहब को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस साहब ने जो है साहब दो, मतलब कैरोलस लिनियस साहब को टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता था, कैंडोले ने इसको टर्म को दिया था। तो टैक्सोनॉमी में ही नॉमनक्लेचर आता है, तो नॉमनक्लेचर में आप देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ नॉमनक्लेचर जो है हम कार्डलिन कैरोलस लिनियस साहब को कहते हैं। कैरोलस लिनियस साहब की साहब दो बुकें आई थी, ठीक है। सबसे पहली जो बुक आई थी कैरोलस लिनियस साहब ने जो प्रपोज दिया था इसमें नॉमनक्लेचर को जो है, मतलब नॉम हमने बता दिया आपको कि कैरोलस लिनियस साहब ने नॉमनक्लेचर जो है टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने कहा जाता है, और नॉमनक्लेचर भी उन्होंने ही प्रपोज किया, मतलब यही इन्होंने रूल लाए थे नॉमनक्लेचर के। तो इनके जो है साहब दो बुकें थी, पहली बुक जो थी इसको प्लांट्स के लिए थी, प्लांट्स के लिए, जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम जो है, जो बुक है 1 मई 1753 में, 1 मई 1753। सेकेंड साहब था इनको एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो इनकी बुक थी साहब उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी 1 जुलाई, सिस्टेमा नेचुरी जो इनकी बुक थी ये 1 जुलाई, हाँ सिस्टेमा एनिमल्स के लिए हमने बताया सिस्टेमा नेचुरी, और जो इसका जो 1 जुलाई 1758 दिख नहीं रहा होगा, सॉरी उधर थोड़ा चला गया, अभी हम इसको अच्छे से आपको समझा रहे हैं। कैरोलस लिनियस साहब को ने इस नियम को दिया, इसको प्रपोज करने वाले जो नियम को दिया, नॉमनक्लेचर जो नामकरण का जो नियम दिया, ये देने वाले हैं कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब ने जो नामकरण की जो विधि दी, जो नामकरण का जो इन्होंने सिस्टम लाया, इसके लिए इन्होंने पहले ही इन्होंने प्लांट्स के लिए एक बुक लिखी, ये सर थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं प्लांट्स के केस में,
स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी प्लांट्स के लिए बुक थी प्लांटेरम, जो 1 मई 1753 में, और एनिमल्स के केस में सिस्टेमा नेचुरी, जो 1 जुलाई 1758, ठीक। हमने आपको बताया कैरेलोसलेनिया साहब ने नॉमनक्लेचर की जो नामकरण की जो विधि थी, इसको देने वाले जो है, जो नामकरण का सिद्धांत दिया, इन्होंने ये देने वाले हैं कैरेलोसलेनिया साहब। कैरेलोसलेनिया साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, हमने चीज़ आपको बताई थी। तो अब कैरेलोसलेनिया साहब ने जो है नॉमनक्लेचर का जब रूल दिया था, तो इन्होंने जो पहले इन्होंने भाई देखो अगर आप कुछ देते हो तो उसको आपको पहले बताना पड़ेगा ना क्या है। तो प्लांट्स के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक आई थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, जो 1 मई 1753, 1 मई 1753 में प्लांट्स के लिए इनकी बुक आई थी स्पीसीज प्लांटेरम, और एनिमल्स के लिए इनकी बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरी, एनिमल्स के लिए इनकी बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरी, जो 1 जुलाई 1758, 1 जुलाई 1758 को। तो प्लांट्स और एनिमल्स, अब आप एक चीज़ और समझिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप नाम लिखने के लिए ऐसा नहीं कि किसी का भी कुछ भी नाम रख देंगे, पहले आप उसको पहचानिए कि वो प्लांट्स है कि एनिमल्स है, आपको पहचानना पड़ेगा। और अगर वो प्लांट्स है तो सिस्टेमा प्लांटेरम के अकॉर्डिंग, सिस्टेमा प्लांटेरम के अकॉर्डिंग जो रूल आया आई सी बी एन, और जो है एनिमल्स के केस में जो रूल उन्होंने दिया था वो था ICZN। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और ज़्यादातर एक बार हमने इस पे हम क्वेश्चन देखा तो उसमें भी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा। पहले देखिए ICBN, पहले सी आ रहा है यहाँ पे, ICBN, यहाँ क्या रहा है ICZN, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बी पहले आ रहा है कि जेड पहले है, बी पहले आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इसका नाम जो लिखा जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। थोड़ा एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा आप, इसमें ऑफ और फॉर में, ठीक है, ऑफ और फॉर का थोड़ा ये लफड़ा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, थोड़ा ऐसे ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेट में पहले बी आता है कि जेड आता है, बी आता है, ये ध्यान दीजिए, पहले फॉर आता है, जैसे ऑफ लिखेंगे फॉर लिखेंगे, तो ऑफ में पहले ओ आएगा और फॉर में पहले एफ आएगा, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एफ पहले आता है कि ओ पहले आता है, एफ पहले आता है। तो ICBN, जहां अल्फाबेट बी है पहले मतलब बी आया, वहां फॉर लिखा जाएगा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, ICZ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। ये हमने क्वेश्चन देखा था इसलिए हमने आपको इसको थोड़ा बता दिया डिटेल में, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये नहीं लिखना है आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। तो ICBN ICZN हमने आपको सब बताया। अब ICBN ICZN में आपको इतना बता दिया कि जो नॉमनक्लेचर का नियम दिया था कैरेलोसलेनिया साहब ने, कैरेलोसलेनिया साहब ने जो है स्पीसीज प्लांट्स के लिए स्पीसीज प्लांटेरम बुक दी, जो 1 मई 1753 में पब्लिश हुई, और जो एनिमल्स के लिए इनका था सिस्टम नेचर, जो 1 जुलाई 1758 में पब्लिश हुई। इतना हमने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा डिटेल में समझिए। बड़ा कंफ्यूजन है। अब किताबी भाषा ये थी जो हमने आपको बताई, अब थोड़ा हमारी भाषा को समझिए आप। आपने उस ऑर्गेनिज्म को देख लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको उसको नाम रखना है। तो नाम आपने हमें देख लिया या किसी को देख लिया, तो किसी का नाम रख दिया राम, रहीम,
जॉर्ज, कुछ भी, जॉन, कुछ भी नाम रख दिया आपने, तो ये जो है थोड़ा सा गलत है। ये नाम ऐसे आप नहीं रखेंगे, ये आप हमारा लोकल नाम होता है किसी भी। हाँ एक चीज़ थोड़ा सा समझिए, किसी भी व्यक्ति के दो तीन नाम होते हैं, स्कूल में कुछ और होता है, अपने दोस्तों के बीच कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, और बाकी किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो अलग होता है, वो हम नहीं बता रहे। तो अब जैसे हमारा नाम है, तो हमारा नाम आप देखिए, हमारा नाम शिवम है, शिवम पांडे, शिवम, शिवम, शिवम पांडे हमारा नाम है। अब आप जो है मान लीजिए कि हमारे घर का नाम अमित हो, हमारे घर का नाम ऋतिक हो, अब आप हमारे स्कूल में जाइए और आप बोल दीजिए कि ऋतिक से मिलना है, तो ऋतिक से तो आप मिल नहीं पाएंगे। आप जब ये बताएंगे कि मुझे शिवम पांडे से मिलना है, तब आप शिवम पांडे से मिल पाएंगे। आप ऋतिक बताएंगे या कुछ भी बताएंगे, मान लीजिए मेरे घर का नाम शक्तिमान हो, तो आप थोड़ी पता कर पाएंगे शक्तिमान कौन है। आप जब मेरा नाम बताएंगे कि हाँ मुझे शिवम से मिलना है, तब आप मिल पाएंगे। तो एक होता है लोकल नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। तो लोकल नेम और साइंटिफिक नेम में बहुत चीज़ वो है, बहुत तमाम, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये अंतर है जैसे देखिए आप एक किसी का भी नाम, हाँ जैसे प्याज, प्याज है, प्याज को हम जो है अपने यहाँ कुछ और कहते हैं, और अभी आप उधर साइड चले जाइए, क्या कहते हैं महाराष्ट्र साइड, तो उधर जो है कांदा कहते हैं, कहीं कहीं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ऑनियन कहते हैं, ठीक है, ये उसका लोकल नेम है, ठीक है, ये प्याज का लोकल नेम है। और ऐसे ही आप मैंगो, आम, आम है, कहीं कुछ मतलब लोग पक्के आम को कुछ और अपनी लैंग्वेज में कहते हैं आम, सिर्फ उसका एक ही नाम है आम। अब ये आपकी लोकल नेम है कि कच्चा आम है कि पक्का आम है, कौन सा आम है, सफनों का दशहरी आम, मतलब तमाम प्रकार की वेराइटीज़ हैं आम की, लंगड़ा आम, दशहरी आम, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है में जो है नाम है। लेकिन अगर इस आम को आप दशहरी आम को जो है और अमेरिका में जाइए लेके, और वहाँ आप किसी से कहिए कि दशहरी आम खा लो, तो वो दशहरी आम वहाँ नहीं बोला जाएगा, लंगड़ा आम आपका नहीं बोला जाएगा, वहाँ उसके लिए आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम बताना पड़ेगा। जब तक आप उसका साइंटिफिक नेम नहीं बताएंगे, तब तक जो है आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना पड़ेगा, और साइंटिफिक नेम जो है पहले आप ये पहचानिए कि वो प्लांट्स या एनिमल्स है। अगर वो प्लांट्स है तो उसका नाम ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग होगा, अगर वो एनिमल्स है तो ICGN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैंगो की, मैंगो की इस चीज़ को आप समझ गए कि नहीं, लोकल नाम क्या है। लोकल नाम जैसे हमारे गांव में बहुत से लोगों का नाम होता है छोटू कहते हैं, किसी को कोई बहुत लंबा है तो लंबू नाम रख दिया जाता है, कोई बहुत मोटा है तो मोटू नाम रख दिया जाता है, लेकिन उसका वो नाम नहीं होता, उसका नाम किसी का अच्छे अच्छे नाम होते हैं यार, किसी का अमित नाम होता है, किसी का सुमित नाम होता है, किसी का प्रीतिक नाम होता है, तमाम प्रकार के नाम, ऐसी दीदी लोग बहुत सारी होती हैं, सबका अलग नाम, चिढ़ाने के लिए कोई कुछ कह देता है, ठीक है, गिद्दी सिद्धी रिया प्रिया, बाकी ओरिजिनल नाम कुछ होते हैं, ये लोकल नेम है। लेकिन ये हाँ एक चीज़ और समझिए, अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो है हम जो बता दे रहे हैं, जो अगर हमारा नाम शिवम पांडे तो आप हम अमेरिका में सर्च करेंगे तो शिवम पांडे कोई पता कर लेगा, ये नहीं पता करेंगे। हमारा नाम कुछ और है, हमारा नाम शिवम नहीं, ये हमारा लोकल ही नेम हो सकता है, क्योंकि शिवम एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ऑर्गेनिज्म हम शिवम नहीं है, शिवम का जो ओरिजिनल नाम है वो होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। शिवम को आप पता करेंगे अमेरिका में तो कोई शिवम को नहीं बता पाएगा, तब तक नहीं बता पाएगा तब तक शिवम कोई बहुत पॉपुलर आदमी नहीं होता, पॉपुलर आदमी को बता लेंगे शिवम को, लेकिन अगर आप ICZN के थ्रू मुझे पता करेंगे, आई वहाँ जाकर उस बुक के कहूँ कि ऐसे है, शर्ट पहनता है, मार्कर लेकर चलता है, ऐसा करता है, तो मुझे आप थोड़ी पता कर पाएंगे, तब आप उसके लिए आपको मेरे तह तक जाना पड़ेगा जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो किंगडम एनिमेलिया, ये सब आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ से आप मेरा नाम जो नॉमनक्लेचर मेरा पता चलेगा आपको, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो ये जो है मेरा नाम नहीं होगा कि आप मुझे शिवम अमेरिका में सर्च करेंगे, या बगल वाले चाचा को जो है अगर उनका नाम कुछ और है, राम प्रसाद है, कुछ प्रसाद है, तो आप जाके अमेरिका में पता करेंगे, ये मतलब उनका आपका लोकल नाम है जो आप उन्हें कहते हैं, ठीक है, ये भी लोकल नाम ही है। अब बात ये आती है कि जैसे आम है, मैंगो, ठीक है, और एक हम और हम लिख देते हैं, ये प्लांट्स लिख दिया, हाँ ह्यूमन, ह्यूमन सॉरी मैंगो, आम और ह्यूमंस, एनिमल्स जो हम ह्यूमंस हैं, ये आम है भी, हमने आपको आम में बताया कि आम के कई नाम हो सकते हैं, हमारे यहाँ हम आम कहते हैं, कोई कच्चा आम कहता है, कोई पच्चा आम कहता है, कोई कोई कड़ी क्या कहते हो काट के, मतलब वो अलग ही लैंग्वेज है, जब लोग जो है हॉस्पिटल वगैरह में कुछ और कहते हैं, पता नहीं कौन से नाम होते हैं आम के, मतलब जो है बहुत जगहों पर हमने नाम सुना है, कभी देखा होगा
कोई जो है प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको आम वगैरह खिलाया जाता है, तो कुछ और नाम लेती, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो तमाम प्रकार के नाम लिए जाते हैं, लंगड़ा है आम, दशहरी आम, चौ मतलब तमाम प्रकार के आमों के, आम के नाम है, एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम है कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा नाम यहाँ बुलाया। मान लीजिए आपके यहाँ हम इसको दशहरी आम कहते हैं, लंगड़ा आम कहते हैं, अमेरिका में इसको कुछ लोकल नेम कुछ और ही हो, मान लीजिए इसको राबता कहते हो, कुछ भी कहते हो यार, नाम तो है, कुछ भी रख दिया उन्होंने नाम, तो ये उनका लोकल नेम हो गया। जैसे हम है, ह्यूमन की एक वैरायटी आपके सामने खड़ी है, मेरा नाम शिवम है, मेरे सामने वाले चाचा का नाम राम प्रसाद है, बगल वाले राम खिलावन है, और बगल जो है गुप्ता जी हैं, मतलब सबका अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है, ठीक है, किसी का बलराम नाम है, किसी का दाऊ नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, कन्हैया नाम है, किसी का रहीम नाम है, किसी का करीब नाम है, किसी का जान नाम है, सब सबके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक सिस्टम होता है कि मतलब नाम लिखने का। अब एक चीज़ और सुनिए आप, नाम में दो चीज़ें होती है, नाम में दो चीज़ें होती हैं, जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, इसको थोड़ा सा समझिए। आप पहले, मेरा नाम शिवम है, शिवम, और मेरी स्पीसीज जो है पांडे, मैं पांडे हूँ, शिवम पांडे, मेरा नाम लिख दिया गया शिवम पांडे, शिवम जीनस है, स्पीसीज पांडे है, ठीक, ये आपने पता कर लिया। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर इस चीज़ को, फिलहाल की एग्जांपल गलत है लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे, अगर ये नाम रख दिया जाए शिवम खान तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ठीक है, शिवम खान, या जैसे शिवम बैबेज, ये नाम थोड़ा गलत हो गया ना, शिवम सिंह चल जाएगा, शिवम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी जाति धर्म मजहब की बातें नहीं कर रहा, थोड़ा एक तरीके को समझिए, एक सीक्वेंस होता है नाम, जैसे कि अब किसी का नाम है जो है साबिर, तो साबिर, या जब किसी का नाम रहीम है तो रहीम शुक्ला, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब उसके उसके रिलीजियन के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि आपको अपने स्पीसीज के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो जीनस है, आपका स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज टोटल नॉमनक्लेचर ही होती है, तो ऐसा नहीं कि हमारा नाम शिवम है तो आप हमें शिवम बैबेज कह दीजिए, शिवम खान कह दीजिए, शिवम ठाकड़ा कह दीजिए, कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा उसके लिए, मतलब ये तो हमारा नाम भी बदला जाए उस अकॉर्डिंग कि हमारा नाम ऐसे आप ले पाएँ, ठीक है, ऐसे आप हमारा नाम नहीं ले सकते, जैसे कि खान है, जैसे भी जितने एक्टर हैं आप देखिए, किसी भी एक्टर, बहुत सारे एक्टर्स हैं तो उनकी भी अलग अलग नाम है, किसी का कुछ से ऐसे सरनेम आपको सुनने को मिल जाते हैं कि मतलब लगता है ऐसे भी सरनेम होते हैं, तो मतलब उनकी अलग अलग सबकी स्पीसीज है, सबका अलग अलग वो है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए आप, वो उनका लोकल नेम है, उनका साइंटिफिक नेम वो नहीं है, ठीक है, कि उनको आप जे ये कोई आपके स्पीसीज में आप सर्च करिए कि पांडे को स्पीसीज है, ऐसी कोई स्पीसीज नहीं होती है, ठीक है, ये आपके लोकल स्पीसीज हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए एक चीज़, मैंगो, मैंगो मैंने आपको बताया, ये चीज़ बता दी है कि मतलब कई सबके अपने अलग अलग नाम है, कोई लंगड़ा दशहरी, सबके अपने अपने नाम है, ऐसे ही आदमी का नाम है शिवम रहीम सलमान सलमान खुश खुर्शीद, कुछ भी किसी का नाम हो सकता है, रिया प्रिया सुनीता कैसे फैसल, किसी का अलग अलग नाम है, किसी का कोई एक, मतलब यहाँ पे ये लोकल नेम कुछ भी हो सकते हैं, और जितने ऑर्गेनिज्म उससे ज़्यादा नाम है, एक एक आदमी तो पाँच पाँच नाम लेके घूमता है, ठीक है, पाँच पाँच नाम एक एक आदमी को हो सकते हैं, ठीक है, किसी का एक, जैसे एक व्यक्ति का नाम है कोई, वो अपने मोहल्ले का थोड़ा सा नेताजी, तो उनका नाम नेताजी बन गया, कुछ लोगों ने कुछ विधायक कह रहे हैं, कुछ उनके लिए सांसद के सपने देख रहे हैं, कोई बहुत बड़े आदमी भाई साहब साहब उनके व्यक्तित्व अच्छे हैं, तो कोई उन्हें डॉक्टर कहता है, कोई मास्टर, सबके अपने अलग अलग लैंग्वेज है, कोई कुछ उनका नाम रख देता है, ठीक है, जैसे कोई पंडित जी है मंदिर में पूजा करते हैं, तो उनका नाम हम गए तो हमने पंडित जी कह दिया, उनका नाम कौशला प्रसाद होगा ओरिजिनल में, हमने पंडित जी कह दिया, कोई आता है पुजारी जी कह देता है, कोई पुरोहित जी कह देता है, सबके अलग, मतलब उनका ये लोकल नाम है, ठीक है, लेकिन जो उनका कौशला प्रसाद नाम है ये उनका रियल, मतलब आइडेंटिफाइड वाला नाम है, रियल वाला, लेकिन ये साइंटिफिक नेम नहीं है, साइंटिफिक नेम सिर्फ उनका एक ही है, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, बाकी कोई नाम नहीं। अब आप इसको थोड़ा एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझिए आप, मैंगो, मैंजी फेरा, इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका, अभी थोड़ा ये गलत नेम है, अभी लिखिए होमो सेपियंस सेपियंस,
सेपियंस, एक और नाम लिख देते हैं टाइगर, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। थोड़ा एक चीज देखिए आप इनमें नामों में ध्यान से देखिएगा कि जब नाम लिखे जाते हैं। हाँ अभी नॉमेनक्लेचर में हमने एक चीज तो आपको बताई नहीं, अभी ये देखिए नाम जो है तीन टाइप के हुए नॉमेनक्लेचर का जब से वो लाया गया तो इसमें तीन प्रकार के नाम लिखे जाते हैं, पहला पॉलिनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल नेम में क्या था कि एक नाम का बहुत बड़ा नाम था, जैसे एक शक्तिमान सीरियल आता था उसमें आपने देखा होगा बालधर गंगाधर समुनाधर प्रसाद तिलक, कुछ ऐसे नाम था उनका, बालधर गंगाधर विद्याधर सागरधर, शक्तिमान जो थे उनके जो सूटकेस में नाम लिखा था बालधर गंगाधर विद्याधर सागरधर, तो ये उनका मतलब पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। लेकिन अगर उनका बाइनोमियल के थ्रू नाम रखा जाए तो ये रखा जाएगा कि मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग तो शक्तिमान सिंह अगर उनका नाम है तो शक्तिमान सिंह हो गया। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, उनका लोकल नेम कोई बता रहा है, बट अगर उनका रियल नेम सर्च किया जाए साइंटिफिक नेम तो हो जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस। अब एक चीज समझिए, पॉलिनोमियल जो है बहुत बड़ा हो जाता था, याद करने में उसको लिख पाना थोड़ा बहुत कठिन काम था, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरी लाई गई। बाइनोमियल थ्योरी जो है कैरल स्लेनियन साहब ने दी थी, आपको हमने बता दिया। लेकिन अब नाम तो लिखा जाता था मेंजी फ्रेंडी का, बाइनोमियल भी सही था। अब एक आया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ हम आपको दिखाएं, पहले हम आपको बाइनोमियल भी दिखा रहे हैं। पॉलिनोमियल बहुत बड़ा नाम होता है, जैसे कि आप जो है पता कर लीजिए कैरियोफाइलम, कैरियोफाइलम का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पूछिए मत। ठीक है, ये कैरियोफाइलम जो है पॉलिनोमियल का नॉमेनक्लेचर है। अब आप बाइनोमियल देख रहे, बाइनोमियल हम आपको दिखा रहे हैं मैंगो, मैंगी फेरेंडिका, ह्यूमन होमो सेपियन सेपियन, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। ठीक, अब देखिए आप नामकरण करने की सबसे पहले कुछ विधियां हैं उनको आप देखिए। पहले आप ये चीज़ पहचाने कि इसमें स्पीसीज कौन है, जीनस कौन है। आप इसमें देखिए मेंजीफेरा ये हमारा जीनस है और इंडिका हमारी स्पीसीज है। ठीक, स्पीसीज है होमो सेपियंस सेपियंस, इसमें होमो हमारा जो है ये जीनस है, स्पीसीज ये हमारी स्पीसीज है सेपियंस सेपियंस। ठीक, पैंथेरा टिग्रिस ये हमारा पैंथेरा जीनस है और टिग्रिस हमारी स्पीसीज है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए आप इन नामों को लिखने के जो नियम है वो देखिए, जब हम इस नाम को लिखते हैं तो हम लैटिन में लिखते हैं, लैटिन वो लैंग्वेज है जो है जो डेड लैंग्वेज है, इसमें 100 साल तक अगर हम चाहें ना तो इसमें कुछ 100 साल से बदला गया है ना कुछ इसमें जोड़ा गया है ना इसमें से हटाया गया है ना कुछ ऐड किया गया है ना रिमूव किया गया है, तो आज हम जिस चीज़ को लिख रहे हैं ये 100 साल बाद भी ऐसे ही लिखा रहेगा, इसलिए हम लैटिन का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर का पूरी बायोलॉजी में पूरी नॉमेनक्लेचर में हर जगह लैटिन का प्रयोग किया जाता है। अब लैटिन आप हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास तो टाइपराइटर है नहीं हाथ में, हम तो हाथ से लिखेंगे ना, तो हाथ से लिखने के इसके अलग नियम हैं और कंप्यूटर पर टाइपराइटर से टाइप करने के इसके अलग नियम हैं। अगर हम इसको टाइप करते हैं, अगर इसको हम टाइप करें तो इसको हम इटैलिक में लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज है हमारी लैटिन में हम लिखेंगे और इटैलिक में लिखेंगे, इटैलिक मतलब तिरछी लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम टाइपराइटर से टाइप करके लिख रहे हैं तो हम इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे और इसको इटैलिक लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे। ठीक, बट अगर हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखने के जो नियम है वो ये हैं कि इसका स्पीसीज, इसका जो जीनस है, जीनस का फर्स्ट लेटर, इसके जीनस का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपने देखा, देखो आप देखिए मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका, हमने यम को कैपिटल में लिखा है, हमने यम को कैपिटल में लिखा है, मैंगो है मैंजी फेरा इंडिका, ये मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा जो है ये इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। मैंजी फेरा आप देखिए हमने इसको कैपिटल में लिखा है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा, तो मैंजी फेरा का जो जीनस की जो फर्स्ट जो इन्हें का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है और जो हमारा स्पीसीज होता है ये आल लेटर स्मॉल में होता है। ठीक, हमने लिख दिया मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका हमने लिख दिया, ये हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम है जिसमें मेंजीफेरा जीनस है स्पीसीज इंडिका है। हमने मेंजीफेरा को यम जीनस हमने इसमें इसने लिखा कैपिटल में, लेकिन हमने कैपिटल में लिख दिया, इंडिका स्मॉल में लिखा था हमने टोटल स्मॉल में लिख दिया, बट अभी ये हमारा सही नहीं है क्योंकि हमने इसको हाथ से लिखा है। और दूसरी चीज़ हमने लैटिन इटैलिक, मैंने लैटिन तो लिखा है हमने, लेकिन ये इटैलिक नहीं, इटैलिक मतलब तिरछा, तो हम तिरछा तो लिख नहीं पाएंगे, ये तो सबके पास का हाथ में तो ऐसा कोई वो नहीं बना कि आप ऐसे कर दिए तो तिरछा हो जाएगा लैटिन जाएगा स्टेट, ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक नियम है कि आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, मेंजीफेरा इंडिका, अब ये नाम सही हो गया, आपने इसका कैपिटल
जीनस इसका कैपिटल में लिखा, फर्स्ट लेटर लिख दिया, मेंजीफेरा। इंडिका और स्मॉल में आपने लिख दिया, आपने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, आपने सेपरेटली इसको अंडरलाइन कर दिया, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक। पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। अब आप देखिए इसमें आपने बाइनोमियल में आपने देखा कि जब किसी का नाम लिखते हैं उससे पहले जीनस, जीनस उसके बाद स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। ये आपको हम क्लासिफिकेशन वाले बहुत अच्छे डिटेल में समझाएंगे, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से फैमिली के हम हर चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे। बस अभी इतना समझिए आप कि जीनस जो होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अगर हम इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो इसको हम लैटिन तो लैंग्वेज हमेशा रहेगी, लैटिन डेड लैंग्वेज, इसलिए हम लैटिन का प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम कंप्यूटर में टाइप करें तो इसको हम इटैलिक लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे। और अगर इसको हम हाथ से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन हमारे हाथ से लिखे, तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। स्पीसीज हमेशा स्मॉल रहता है, टोटल लेटर्स हमारे स्मॉल रहते हैं, बट जीनस हमारा कैपिटल रहता है, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल रहता है, स्पीसीज हमारा जो है ऑल स्मॉल में रहता है, ठीक है। अब एक चीज़, हमने पॉलिनोमियल आपको बताया कि कैरियोफाइलम का आप नाम देखिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा जहाँ भी, जिसे मको ना, क्योंकि उसको हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल, बहुत लंबा हो जाएगा। बाइनोमियल हमने आपको समझाया, ये हमारा बाइनोमियल था। अब ट्राइनोमियल देखिए आपने, जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म को जो प्रपोज करने वाले, जिस ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि आपने या हमने किसी ऑर्गेनिज्म को सर्च किया है, भाई दबे मैंने ऐसा किया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, ये किसी और का मैं अपने नाम करने जा रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मेरा दोस्त है या कोई दीदी है आपके मोहल्ले की, जो मेरे साथ, उनको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ढूंढा। अब ऑर्गेनिज्म को ढूंढने के बाद जो है उन्होंने उसको कैरेक्टराइजेशन, उसको कैरेक्टर को उनको पहचान, उसको उन्होंने उसका कंपेरिजन किया, किसी आइडेंटिफाई किया किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो उन्हें पता चला उसके पैर हैं सारे, वो जो कहानी हमने बताई वही चीज़। अब वो नाम रखना है, तो नाम रखने के लिए मान लीजिए उन्होंने जीनस तो सही लिख दिया, स्पीसीज गलत लिख दिया, स्पीसीज उन्हें लिखना नहीं आया, बहुत ज़्यादा परेशान हुई दीदी, लिख नहीं पाई। अब क्या मान लीजिए दीदी की ये प्रॉब्लम मेरे तक आ गई, ठीक है, मुझे थोड़ा, मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मुझे जानकारी थी, मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए उन्होंने मैंगो सर्च किया था, मैंगो उन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, तो मैंगो उन्होंने जब सर्च किया तो उन्होंने मेंजीफेरा तो लिख दिया, लेकिन इंडिका की जगह उन्होंने टिग्रिस लिख दिया, इंडिका की जगह उन्होंने मान लीजिए टिग्रिस लिख दिया, तो ये तो गलत है, इंडिका की जगह उन्होंने टिग्रिस लिख दिया तो गलत है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी था आपके मोहल्ले का, तो दीदी ने मेरे पास ये प्रॉब्लम लाई, तो दीदी की प्रॉब्लम जब मेरे पास आई तो मैंने क्या किया, इस पर सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैं देखा कि मेंजीफेरा तो उन्होंने सही लिखा, उन्होंने जीनस तो सही लिखा, बट उनका स्पीसीज गलत है, टिग्रिस नहीं होगा, इसका होगा इंडिका, हमने इंडिका लिख दिया। मैंगो मान लीजिए हमने डिस्कवर किया, हमने लिखा दीदी के, आपके दीदी का नाम प्रिया था, दीदी का नाम आपके प्रिया था, ठीक, तो दीदी जो है तो गलत बता गई, इंडिका उन्होंने स्पीसीज तो, जीनस तो सही बताया बट स्पीसीज उन्होंने गलत बता दिया, तो उनका नाम जो है प्रिया यहाँ नहीं जुड़ पाया। अगर उन्होंने मेंजीफेरा इंडिका बता दिया होता तो यहाँ उनका नाम जुड़ जाता और लिख जाता PRI, ठीक, PRI प्रिया। ये ध्यान रखिए आप, ये कैपिटल से फिर से ऐसे लिखा जाए तो यहाँ पे कुछ अंडरलाइन वगैरह कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, लिख दिया, बट दीदी ने तो सही बताया नहीं, इसको बताने वाला आदमी कौन था, शिवम, तो उसने नाम लिख दिया शिवम, ठीक, शिवम या कुछ भी लिख दीजिए, मतलब शिवम शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे भी आपका नाम हो, जैसे कि कई लोगों का ऋतिक, ऋतक रोशन, कुछ भी नाम लिख देते शॉर्ट में, तो मैंने लिख दिया शिवम। ने इसको सर्च किया मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, दीदी ने, आप प्रिय मोहल्ले वाली दीदी सर्च नहीं कर पाई तो उनका नाम नहीं कट पाया, क्योंकि उन्होंने जीनस तो सही बताया था, स्पीसीज उन्होंने गलत बताया था, बट शिवम ने बताया तो शिवम ने मेंजीफेरा इंडिका लिखा और साथ में आगे अपना नाम जोड़ लिया, ठीक है। ये रही शिवम की झूठी कहानी, बट इसकी ओरिजिनल कहानी सुनिए, इसकी ओरिजिनल कहानी है कि कैरोलस लिनियस साहब ने इसको किया था, इसलिए हम लिख रहे हैं लिन लिन, यहाँ भी हम लिख रहे हैं लिन, जहाँ भी हम लिख रहे हैं लिन। तो अब जो है ये देखिए आप, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक दो तीन, पॉलीनोमियल एक सेपरेट, मतलब पांच छः बहुत बड़ा नाम हो पॉलीनोमियल, बाइनोमियल सिर्फ दो नाम हो, ट्राइनोमियल तीन नाम हो गए, ठीक है, कैरोलस लिनियस लिन, सॉरी मेंजीफेरा इंडिका लिन। हमने आपको ये बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बहुत बड़ा लिख रहा है तो वो जो है पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कैरियोफाइलम आप सर्च करिए, बहुत बड़ा नाम है उसका। बाइनोमियल हमने बताया आपको मैंगो मेंजीफेरा इंडिका। अब ट्राइनोमियल हमने आपको इस तरह से समझाया, मेंजीफेरा इंडिका मान लीजिए मैंगो आपके मोहल्ले की दीदी ने डिस्कवर किया बट उसका नाम नहीं रख पाई, तो नाम रखने शिवम के पास है, शिवम ने उसका नाम रखा मेंजीफेरा इंडिका, उन्होंने सिर्फ मेंजीफेरा टिग्रिस रखा था जो गलत था, मेंजीफेरा इंडिका मैंने रखा तो मैंने अपना नाम आगे जोड़ दिया शिवम।
जो कि झूठी कहानी मैंने बताई। इसका ओरिजिनल फॉर्म यह है कि मैंजी फेरेंडी का जो मैंगो था, इसको जो डिस्कवर करने वाले, जो डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है कैरोलस लिनियस कार्लिन। तो लिन साहब का हमने नाम लिख दिया गया, जो कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का एग्जाम्पल हो गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, मैंजी फेरेंडिका लिन। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आपको भरपूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहानी एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि हमारे इस पूरे अर्थ पे 7 बिलियन ऑर्गेनिज्म है, 7 बिलियन में 1.7 to 1.8 हमने डिस्क्राइब कर लिया, 17 से 18 लाख, इसमें 13 लाख टोटल हमारे पास जो एनिमल्स हैं, 5 लाख हमारे जो है प्लांट्स हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब, मतलब उसके बारे में जानने के लिए टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी कैंडोलिन दिया था, टर्म जो कैंडोलिन दिया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैंडोलिन दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कैरोलस लिनियस को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी संता पाउ को कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैरेक्टराइज, इसके जो है 4 पिलर्स होते हैं, 4 मेन रूल्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन हमने किसी को फिजियोलॉजी को देखकर पता कर लिया, आइडेंटिफाई हमने किसी कंपेयर करके पता कर लिया, नोमेनक्लेचर आपको समझा रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम आपको अगले समझाएंगे। नोमेनक्लेचर आपको समझाया कि नोमेनक्लेचर जो शब्द था इसको प्रपोज करने वाले जो थे वो थे कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब ने 2 बुकें दी थी, स्पीसीज प्लांटेरियम, स्पीसीज सिस्टम ऑफ नेचुरल, स्पीसीज प्लांटेरियम प्लांट्स के लिए थी, सिस्टम ऑफ नेचुरल एनिमल्स के लिए थी, स्पीसीज प्लांटेरियम के अकॉर्डिंग ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आईसी, और सिस्टम ऑफ नेचुरल के अकॉर्डिंग ICGN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग हम किसी जीन का नाम लिखने के लिए हम नोमेनक्लेचर की तीन प्रोसेस है, पॉलीनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलीनोमियल में किसी का नाम बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कैरोफाइलम आप देखिए बहुत बड़ा नाम है उसका, और बाइनोमियल हमने आपको बताया मैंगो मैंजी फेरेंडिका, मैंगो मैंजी फेरेंडिका मान लीजिए। और इसको हमने आपको समझाया कि मैंजी फेरेंडिका मान लीजिए कि हमने आपको हमने हमने सर्च आपकी मोहल्ले की दीदी ने आप इसको सर्च किया था बट उसका नाम नहीं लिख पाई, तो हमने बताया उन्होंने उसका नाम जीनस तो सही लिख दिया था मैंजी फेरा, लेकिन इंडिका वो नहीं लिख पाया, इंडिका के जब उन्होंने टिग्रिस लिख दिया तो गलत था, उसका मैंने सही किया, मैंने डिस्क्राइब किया, मुझे पता चला कि इंडिका सही नाम है, तो मैंने उसको जो है सर्च करने के बाद इंडिका मैंने उसके स्पीसीज में लिख दिया इंडिका, तो जीनस मैंजी फेरा था, इंडिका उसका नाम सही हो गया। अब मैंने अपने उस नाम मैंजी फेरा इंडिका जो उसका साइंटिफिक नेम था उसके आगे मैंने शिवम लिख दिया, जो कि एक झूठी कहानी थी, के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। इसकी ओरिजिनल कहानी यह थी कि इसको कैरोलस लिनियस साहब ने डिस्क्राइब किया और कैरोलस लिनियस साहब का आगे हमने नाम लिख दिया मैंजी फेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम आपको समझाएंगे टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होया करिए यार बताया करिए आप, क्योंकि आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी कमियां हैं, वो धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।